नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अविरल टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से हिंदुओं व हिंदू धर्म की रक्षा हुई। हिंदू धर्म के लोग भी उन्हें याद करते और उनसे संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तेग बहादुर सिंह 20 मार्च 1664 को सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे और 24 नवंबर 1675 तक गद्दी पर आसीन रहे। गुरु तेग बहादुर का जन्म 21 अप्रैल 1621 को पंजाब के अमृतसर नगर में हुआ था। ये गुरु हरगोविंद जी के 5वें पुत्र थे। 8वें गुरु इनके पोते हरि कृष्ण राय जी की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण जन्मत द्वारा ये नवम गुरु बनाए गए। इन्होंने आनंदपुर साहिब का निर्माण कराया और ये वहीं रहने लगे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर, जिसका अर्थ था तलवार के धनी, रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर हुआ। धैर्य, वैराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर जी ने एकांत में लगातार 20 वर्ष तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की। 8वें गुरु हरिकिशन जी ने अपने उत्तराधिकारी का नाम के लिए बाबा बकाले का निर्देश दिया। गुरु जी ने धर्म के प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। आनंदपुर साहिब से कीरतपुर, रोपण, सैफाबाद होते हुए वे खियाला पहुंचे। यहां उपदेश देते हुए दमदमा साहब से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र से यमुना के किनारे होते हुए कड़ा मानकपुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने साधु भाई मलूक दास का उद्धार किया। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी प्रयाग, बनारस, पटना, असम आदि क्षेत्रों में गए, जहां उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नयन के लिए रचनात्मक कार्य किए। आध्यात्मिकता धर्म का ज्ञान बांटा, रूढ़ियों, अंधविश्वासों की आलोचना कर नए आदर्श स्थापित किए। उन्होंने परोपकार के लिए कुएं खुदवाना, धर्मशालाएं बनवाना आदि कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं में 1666 में गुरु जी के यहाँ पटना साहब में पुत्र का जन्म हुआ, जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ दिया करता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे बताना भूल गया कि उसे किन किन श्लोकों का अर्थ राजा से सामने नहीं करना था। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धर्मता थी कि वह अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं थी। औरंगजेब ने सबको इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश दे दिया और संबंधित अधिकारी को यह कार्य सौंप दिया। औरंगजेब ने कहा, सबसे कह दो या तो इस्लाम धर्म कबूल करे या तो मौत को गले लगा ले। इस प्रकार की जबरदस्ती शुरू हो जाने से अन्य धर्म के लोगों का जीवन कठिन हो गया। गुरु तेग बहादुर जी ने पंडितों से कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दे कि यदि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया तो उनके बाद हम भी इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने यह स्वीकार कर लिया। गुरु तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में स्वयं गए। औरंगजेब ने उन्हें बहुत से लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी ने नहीं माने तो उन पर जुल्म किए गए, उन्हें कैद कर लिया गया। 2 शिष्यों को मारकर गुरु तेग बहादुर जी को डराने की कोशिश की गई, पर वे नहीं माने। उन्होंने औरंगजेब से कहा, यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर जुल्म करके मुस्लिम बनाया जाए।
औरंगजेब यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का हुक्म जारी कर दिया और गुरु जी ने 24 नवंबर 1675 को हंसते हंसते बलिदान दे दिया। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।